सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा बोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम सप्तश्लोके दुर्गा शिववाचा निवेदितं भक्तजनवे सर्वकार्यविदायिने कलहे कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्योवाचा शृणुं देवाप्रभक्ष्यामि कलौ सर्वे च साधना मया तवैव स्नेहेनाभ्यम्बाच्युतिः प्रकाश्यते। ॐ अच्छाश्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायणऋषिः अनुष्टुभछन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वत्या देवता श्री दुर्गाभ्यर्थ सप्तश्लोके दुर्गापादे विनियोगः। देवी भगवती वराधाकृत्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसिभिमते जजन्ता स्वस्थे स्मृता मतिमपि वजुभं ददाति। दारिद्र्यदुःखमयहारिकार्थधन्या सर्वोपकारकरणाय सदा दचित्त सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके काले नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थि हरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वे च सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवि दुर्गे देवि नमस्तुते। रोगान् चेतानपः श्रितश्च रुष्टादुकामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ते। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यश्चाखिलेश्वरे एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भैर्विनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुश्च कमलाननेन यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्तदे। ॐ सदिता देवव प्रीता भवानी ममोचने आर्या दुर्गा जया चात्या त्रिनेत्रचूलधारणे पिनाकधारणे चित्ता चण्डघण्टा महातपा मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपाजिताजिते सर्वमन्त्रमये सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणे अनन्ता भावने भव्या 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 कदा गति शाम्भवीदेव माता च चिन्ता रत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञ विनाशने
అభరణానేకభరణాటలాపాటలాపది పట్టాంబరపరిధానకలమంజీరంజనే అమేయ విక్రమక్రూరా సుందరేశ్వరచందరే వనదుర్గాచ మాతంగే మతంగ మణిపూజిత రామీణాహేశ్వరీ చంద్రే కౌమారీ వైష్ణవీ తదా చాముండా దైవ వారాహే లక్ష్మీ చ పురుషాగృతే విమలోత్కర్షణీ జాడా క్రియా నిత్యా చ బుద్ధిదా బహుళ బహుళ ప్రేమ సర్వవాహన వాహన నిశంబరే మహిషాచరమర్దనే మధవ కైలవహండమండవినాశనే సర్వాసుర్వినాశాచర్వదానవఘాచనే సర్వశాస్త్రమయీ సత్య సర్వాస్త్రధారిణీ తదా అనేక శాస్త్రహస్తాచ అనేకాస్త్రస్య ధారిణీ కుమారీ చకన్యాచైజోయవతీయతి అప్రౌఢాచైవ్రౌఢాచవృద్ధమాతామరప్రదా మహోదరీ మోక్షకేతే ఘోరూపామహాబలా అగ్నిజ్వాలారోద్రముఖే కాళరాత్రిత్తపస్విని నారాయణీ భద్రకాళీ విష్ణుమాయా జలాధరీ శివజ్యోతే కరాళీ చ అనంతా పరమేశ్వరీ కాత్యాయనీ చ సావిత్రీ ప్రత్యక్షా బ్రహ్మవాదినీ యాయిదం ప్రమటే నిత్య దుర్గా నామ చదాశక నారాజ్యం విద్యతే దేవీ త్రిశోకే చ పార్వతి ధనధాన్యం చ సంజాయ అయోహస్తిరమేవ చ చతుర్వర్గం తదా ప్రాంతే నవే ముక్తిం చ శాశ్వతి కుమారీ పూజయిత్వా చ జాత్వా దేవేశ్వరేశ్వరి పూజయ త్వరయా భక్త్యా పదే నామ చ శాశ్వత కచ్చిర్వే దేవీ సర్వేశ్వరవరే రాజాన్ని రాజ్యాపుణ్యాత్ గోరాజనాలక్తుంకుమేన చందోర కర్పూర మధుచేన విలక్ష్య భవే సదాచార్యతే పురారి భోగావాచ్యామగ్రే చంద్రే చద విచాంతది విలక్ష్యమే స్తోత్రం స్వభవే సంపదా इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिश से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पसारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ देव्याः कवचम् आचार्य चंडे कवच ब्रह्मा ऋषि अनष्टम छंद चामुंडा देवता अंगन्यास्वक्त मातर वेद जगबंध देवता सत्व श्री जगदंबा प्रीत्यर्थे सप्तनदी पारांगत्वेन जपे विनियोग ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयवाच ॐ यद्वयं परमं लोके सर्वरक्षाकरण्यनां जनकश्च राक्षसं धर्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मवाच अस्ति कोयतां व्यत्र सर्वभूतोपकारक ్రహ్మచారణే
सप्तमं कालरात्रे महाकाले दशम नवमरात्रे नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्ताने दाने नामाने ब्रह्मणे महात्मना अग्निनादयमानस्तु रक्षमध्ये गतोरणे विजमे दुर्गमे देवा भयाता चरणं गता नादे जांजायते किञ्चिदशुभवरणसङ्कटे नावलं तच्च पश्यामि शोकदुःखभयमहे येषु भक्त्या सुदानोऽहं प्रजा सिद्धे प्रजायते ये तां स्मरन्ति देवेति रक्षते तान् चिन्तयः प्रेतसंसादुषामुण्डा वाराहि मयि च जनाम् समारोणा वैष्णवे करुणाजना मायेश्वरीषारोणा कौमारे जिगवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्मासारे प्रिया शेतरूपकरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारोणा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरा सर्वा सर्वयोगसमन्विता नानावर्णचौवाचा नानारत्नमजामिता द्विषन्ते रथमारूढा दिव्या क्रोधसमाकुला शङ्खचक्रङ्गदां चक्रमलं च मुचलायुधं केरकन्तोमरं चैव परशुं पाचमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च चारङ्गमायुधमुत्तम चैत्याणां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्तायुधानीतं देवानां च हिताय वै नमस्तस्तु महारथे महागरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने त्राहि मां देवि दुष्प्रक्षे शत्रो नामयवर्धने प्राचारक्षतु मामेन्द्रे आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे अवतु वाराहि नैऋत्यां गर्गधारणे प्रतेज्यां वारुणे रक्ष वायव्यां निर्वाहणे उदेज्यां वासु कौमारे अल्जानां चोलधारणे पुरोधं मम्बाणि मे रक्ष अदत्ताद्रष्टमेतदा एवं दर्शिशो रक्ष चामुण्डाजवाहना जया मे जागृता पातु विजया पातु प्रेष्ठिता अजिता मामुपार्श्वेषु दक्षिणे च पराजिता शिखावद्योदनी रक्ष उमामुद्ये विवर्जिता मालाधरीललाटे च भ्रुव रक्षेत दक्षिणे त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा जनाजगे शङ्कने चक्षुजोर्मध्ये श्रोत्रयोद्वारपाजने कपोलोकालिका रक्ष कर्णमूले तु शङ्करे नाधिकायां सुगन्धा च उत्तरष्टे चतुर्थिका आदरे चामृतकला जर्वायां च सरस्वते दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदे च दुसन्विका कण्डिकां चित्तघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षिशोकं रक्ष वाच मे सर्वमङ्गलात् ग्रीवायां भद्रकाले च पृष्ठवञ्च धनुर्धरे नीलग्रीवामहे कण्ठनलिकां नलकोमले स्कन्दयो खड्गणि रक्ष बाहु मे वज्रधारणे हस्यो दण्डनि रक्ष अम्बिका चाकुलेषु च नगाञ्चुलेश्वरि रक्ष कुक्षो रक्ष कुलेश्वरे स्तनो रक्षेणादेवि मनः शोकविनाशने हृदये ललिता देवि उदरे चोलधारणे नाभोजकामणि रक्ष गुह्यं गुह्येश्वरि तदा पूजनाकामिकामेटकुले महिषमाहिने कट्यां भगवती रक्ष जाननि विन्दवाचने जङ्गे महाबला रक्ष सर्वकामप्रदायिने गुल्फयोर्नाडसिंहे च पादपृष्ठे सुते
बालखंड जयंते मंगलाकारी भद्रकाले कपालने दुर्गा चवाच वादाते स्वाहा सदा नमस्तुते जय चंद चामुंड जय भूता निहारणे जय सर्व देवी काल रात्रे नमस्तुते भजो कैलव मित्रादि विधात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि जजाते जजा जय महिषासुरनारे भक्तानां जगदे नमः रूपं देहि जयं देहि जजाते जजा जय रक्तबीजावरे देवि दण्डमण्डविनाशने रूपं देहि जयं देहि जजाते जजा जय सोमवाचरण सोमवाचमनाचमर्चने रूपं देहि जयं देहि जजाते जजा जय वन्दिताङ्गे देवि सर्वजवाग्यदायने रूपं देहि जयं देहि जजाते जजा जय अजिङ्करो भजर्य सर्वशत्रो विनाशने रूपं देहि जयं देहि जजाते जजा जय नदेव्याः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितामहे रूपं देहि जयं देहि जजाते जजा जय सुमद्योभक्तिपूर्वकं चण्डिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि जजाते जजा जय चण्डिके जलदव्यक्तिरवक्तितः रूपं देहि जयं देहि जजाते जजा जय देहि सौभाग्यमारोग्य देहि मे परमसुख रूपं देहि जयं देहि जजाते जजा जय विलेहि दशदाङ्गाशं विलेहि बलमुच्चकै रूपं देहि जयं देहि जजाते जजा जय विलेहि देवि कल्याणं विलेहि परमाजय रूपं देहि जयं देहि जजाते जजा जय सुरासुरशिरोधत्ता निर्गताचरणलिके रूपं देहि जयं देहि जजाते जजा जय विद्यावन्तं जनवन्तं लक्ष्मीमन्तं जनपुर रूपं देहि जयं देहि जजाते जजा जय प्रचण्डदैत्यदर्पणे चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि जजाते जजा जय चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र चञ्चते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि जजाते जजा जय कृष्णे नाथं चते देवे चक्षुरभक्त्याम्बिके रूपं देहि जयं देहि जजाते दिशारे हिमाचलसुधारते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि जजाते जजा जय इन्द्राणि सर्वाव पूजिते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि जजाते जजा जय देवी प्रचण्ड जोदण्ड दैत्यदर्प विनाशने रूपं देहि जयं देहि जजाते जजा जय देवी भक्तजनदामदत्तानन्दोदयाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जजाते जजा जय पत्ने मनोरमां देहि मनोवृत्तानुदारिणे तारिणि दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवम् इदं स्तोत्रं पठित्वा च महास्तोत्रं पठे नमः साधु सप्तदेशस्य परमा पुनोति सम्पदा अथ कीलकम् अचिलकवन्तस्य शिवरिषे अरवचन्द श्रीमहासरस्वतीदेवता श्रीजगदम्बावृत्यन सप्तदेवागत्वेन यपे विनियोग नमः चण्डिकायै वाजकण्डवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे
श्रेयाप्राप्ति निमित्ताय नमः चोमर्जदारिणे सर्वमेतद्धियानीय तच्च नाम विकीलक स्वविक्रमवाप्नोति तदनव्याप्य तत्परः सिद्ध्यं च चाप्रणादेने वस्त्रणे जगलन्यवे येन स्वराब्देन सिद्ध्यते नामन्तोनौषधं तच्च न किञ्चिन विविद्यते विराजाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाचनादिक समग्राण विसिद्ध्यन्ति लोकजङ्गाविमावरा कृत्वा निमन्त्रयामात्र सर्वमेव मिदं शुभ सर्वं वैकण्डिकायासो तस्य गस्तं चकारतः समात्रिणय पुनर्च ताव्यता वन्नियन्त्रणान् स्वाभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेव उन्नतञ्चर कृष्णायामवचतदर्श अष्टम्यवचमायतः ददाति प्रतिगृह्णाति तान्यते च प्रदीदते इत्थं रूपेण किलेन महादेवेन किलेन ज्वरिस्किलां विलायेन नित्यं जपति त्वत्पुट स्वादिद्धाजोगणाचोऽपि गन्धर्वो जायते नरः नाजैवापस्य भयं क्वापि जायते नापवृत्तमचव्याति मृतमज्ञमवापुण्यात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वाणो विनच्यते ततो ज्ञातेव सम्पन्न इदं प्रारभ्य देवते सोमाज्ञादिजनत्यञ्चलनायणे तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन याप्यामिदं शुभ क्षणे सोऽप्यमाणस्य सम्पत्तिरुच्यके भवत्येव समग्रापि तदा प्रारभ्यमेव तत् ईश्वरं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदा शत्रुहारिः परो मोक्षः श्रूयते सा न किञ्जने श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यास जी द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री महिषासुर मर्दनी स्तोत्र I'm
Thank you.
अभी अंत में पृष्ठ नंबर 30 पर क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध श्रद्धालु भक्तजन 3 बार ओम का रख्य का नाद करेंगे। एक साथ उच्च स्वर से, लंबे स्वर से, हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन पदम स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामनाओं को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन 3 बार एक साथ ओम का रख्य का नाद कीजिएगा।
ओंकारं बिन्दुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जान बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार ओकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचियां ज्योता बाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगदोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचर। देवगण माता से प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसा ही भाव हम सभी को अपने प्रति भी रखना चाहिए। शरणागत की पीड़ा दूर करने वाले देवी हम पर प्रसन्न हो, संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो, में विशेषी विश्व की रक्षा करो। देवी तुम्ही चराचर जगत की अधीशी हो। आधार भूता जगत स्वमेका महिस्वरूपेण जथास्ते दासी अपाम स्वरूप स्थित्या त्वयेतत् आप्यायते कृष्णम लंघ्य वीर्ये। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है, तुम्हें जल रूप में स्थित होकर समूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्त मेतत् त्वं वै प्रसन्ना भूय मुक्ति हेतु। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो, इस विश्व की कारणभूता परामाया हो। देवी तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है, तुम्हें प्रसन्न होने पर पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। विद्या समस्ता तव देवी भेदा स्याह समस्ता सगला जगत्सु त्वयै क्या पूरितमं भजेतत् काते स्तुति तव्य परापरोक्ति। देवी समूल विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, जगत में जितनी स्थितियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है, तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। सचियां ज्योता बाली माता जयकारा शेरा बाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। इस जगत में जभी जभी भी केवल हम ही भक्तों पर नहीं, सब देवताओं पर अथवा अवतारों पर भी जब कोई संकट का लान पड़ा है अथवा उनकी कोई मनोकामना अपूर्ण रही है और उस समय जब किसी विशेष देवता ने उनकी सहायता नहीं की है, तो अंत में उन्होंने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है और तब माता जी ने उनकी स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन देकर के उनके सभी प्रकार के कष्टों को दूर किया है, उनकी मनोकामना को पूर्ण किया है। आप जानते हैं कि जब वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ हुआ और देवकी का चचेरा भाई कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए रथ में बिठा करके मथुरा ले जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि कंस जिस बहन को तो बड़ी प्रसन्नता के साथ विदा कर रहा है उसी का आत्मा गर्व तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तेरा वध करेगा। और ऐसी आकाशवाणी को सुनते ही कंस ने झट से म्यान से तलवार बाहर निकाली थी और वो देवकी का वध करने के लिए उद्यत हो गया था कि माता ही नहीं रहेगी तो पुत्र कहाँ से होगा। परंतु वसुदेव जी ने समझाया कि स्त्री का वध करना शास्त्र सम्मत नहीं है, आपको तो इसको पुत्रों से भय है, इसके द्वारा जो मैं आपकी भेंट कर दिया करूँगा। तब कंस ने तलवार म्यान में रख ली और दोनों को रथ में बिठा करके वो मथुरा ले गया और जाते ही उनको उनके हाथों में बेड़ियाँ डाल दी। तब उनके जहाँ जो भी पुत्र उत्पन्न होता था वे कंस को दे देते थे और कंस उसको पत्थर पर पटक करके उसका वध कर देता था। इस प्रकार बारी बारी कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया, जिससे
दोनों वसुदेव तथा देवकी चिंतित रहते थे, शोकग्रस्त रहते थे। एक दिन उन्होंने चुपके से ज्योतिष शास्त्र के निष्णात अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य महाराज जी को वहां बुलाया, उनका आदर सम्मान किया और उनसे प्रार्थना की कि महाराज, कंस ने हमारे 6 पुत्रों का वध कर दिया है, इसलिए हमें कोई ऐसा जप पूजा पाठ दान बताओ जिसके द्वारा हमारे घर में आयुष्मान दीर्घजीवी पुत्र उत्पन्न हो। उस समय गर्गाचार्य कह रहे हैं कि महाराज वसुदेव जी, इसके लिए आप दुर्गा माता जी की समाराधना करो, वे प्रसन्न होने पर भक्तों की सभी दुर्गतियों का विनाश कर देती हैं, भक्तों का कल्याण करती हैं। उस समय वसुदेव जी कह रही हैं कि महाराज वो देवी कौन है, उस व्रत का जब पूजा पाठ का विधान क्या है। गर्गाचार्य कह रहे हैं कि वह अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति है, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को वो शक्ति से संबंध करके उनसे सृष्टि का सृजन पालन संहार कराती है। परंतु वसुदेव ने कहा कि महाराज, मैं तो कंस के कारागार में बंद हूँ, मैं ऐसा करने में विधि पूर्वक दुर्गा माता की समाराधना करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप ही मेरे लिए उन माता जी की विधि पूर्वक समाराधना करो। तब गर्गाचार्य जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि महाराज, आपके लिए मैं अवश्य माता जी पूजा करूंगा। तब वे ब्राह्मणों को ऋषियों को साथ लेकर के सुमेरु पर्वत पर गए और वहां पर उन्होंने विधि पूर्वक दुर्गा माता जी की आराधना की, दुर्गा सप्तशती का पाठ, नवार मंत्र का जप, श्री देवी सूत का पाठ किया और कुछ सवारी अवस्था में बैठे। इससे प्रसन्न होकर के माता जी ने आकाशवाणी द्वारा गर्गाचार्य को संबोधित किया कि गर्गाचार्य जी, मैं आपकी इस आराधना से प्रसन्न हूँ, अभी मेरी ही प्रेरणा से स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे और कंस से भयभीत हुए वसुदेव जी उसको टोकरे में डाल करके गोकुल में जहाँ नंद के ले जाएंगे और मेरे अंश से उत्पन्न हुई यशोदा के गर्भ से कन्या को ले आ करके कंस को देंगे और कंस जैसे ही उसको पृथ्वी पर पटकने लगेगा उसके हाथ से छूट करके वो 18 बजे रूप धारण करके आकाश में प्रकट होगी और कहेगी, अहम ही वैष्टि माया तस्यामेव जगत गुरु, मैं उस जगत गुरु की वैष्टि माया हूँ, कंस तेरे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। इस प्रकार की आकाशवाणी को सुन करके गर्गाचार्य जी प्रसन्न हुए और उन्होंने सारा वृत्तांत प्रसन्नता पूर्वक वसुदेव जी को आकर के मथुरा में बता दिया, जिससे वसुदेव जी प्रसन्न हुए और समयानुसार कृष्णस्तु स्वयं भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। कहने का तात्पर्य यही है कि जभी जभी कोई हमारी मनोकामना पूर्ण रही है तो उनको अंतकाल में इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण करनी चाहिए। माताओं बहनों को भी जो अपुत्री हैं, निसंतान हैं, उनको संतान प्राप्ति के लिए दुर्गा माता जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। विशेष करके नवरात्रों में श्रीमद देवी भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए, इनसे उनके घर में अवश्य संतान होती है, क्योंकि माता जी स्वयं कहा है कि अपुत्री हो, बंध्या हो, काक बंध्या हो, मित बत्सा हो, वो मेरा जो प्राण श्रवण करने से उसको संतान की प्राप्ति हो सकती है। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आवनी के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप में केवल यही विराजमान होती ही आपको शक्ति, ऐश्वर्य एवं ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जाड़मूल से एक हैं, ऊपरा के तीन स्वरूप और इनके चरणों से गंगा स्नान कराती हुई परिक्रमा करती बह रही हैं, जिसमें आप स्नान करते हैं, चरणावत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर प्राकृत रूप से विराजमान गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में माता जी का वरद हस्त भक्तों को प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का नवारण मंत्र, बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है। जो बच्चे विद्या में निर्बल हैं केवल ऐं ऐं अक्षर का उच्चारण करने मात्र से ही विद्या में निपुण हो सकते हैं, ऐसा पौराणिक कहानी में आया है। ओम ऐं ओम अथवा ओम ऐं सरस्वती नमः, इसका जाप करने से विद्यार्थियों को विद्या की प्राप्ति होती है। ह्रीं के चरण से आपको दूध, पुत्र, धन, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति, नेक कमाई, हर प्रकार की मनोकामना, घर गृहस्थी, देश विदेश में समृद्धिमान प्राप्त होता है और क्लीन के चरण से आपको शक्ति प्राप्त होती है। आपके शत्रुओं तथा रोगों का नाश होता है। चामुंडा माता जी के नाम
एवं बच्चे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इस निर्वाण मंत्र का उच्चारण माता के चरण में बैठे हुए हम सभी भक्तजन 3 बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देवीचे ॐ 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 ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देवीचे सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जय करा शेर वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम 1 माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हो और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं वो अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचिया ज्योता बाल माता तेरी सदा जयकारा शेर वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की बेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री सुरेश जी से अपनी मधुर वचन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुरेश। जय करा मेरे शिरोमणि मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। मेरे मन मंदिर में माँ सुबह शाम तुम्हें देखो, मेरे मन मंदिर में सुबह शाम तुम्हें देखो, मेरे मन मंदिर में माँ सुबह शाम तुम्हें कण कण में तुम्हें देखूं, हर पल में तुम्हें देखूं, कण कण में तुम्हें देखूं, हर पल में तुम्हें देखूं। मेरे मन मंदिर में माँ सुबह शाम तुम्हें मेरे नैनों में बस जा, मेरे मन में समा जा, मेरे नैनों में बस जा, मेरे मन में समा जाओ, मेरे नैनों में बस जा, मेरे मन में समा जा, मन मंदिर में माँ
कण कण में तुम
पल में तुम्हें शाम तुम्हें देखो मन मंदिर में मां सुबह शाम तुम्हें देखो मेरे मन मंदिर में मां सुबह शाम तुम्हें देखो सुबह शाम तुम्हें देखूं सुबह शाम तुम्हें देखूं मां सुबह शाम तुम्हें देखूं मां सुबह शाम तुम्हें देखूं जय करा मेरी शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय एक भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय मैं तेरी कमली हो गईया मैं तेरी कमली हो गईया मैं तैनू तरस जरा ना आया कमली हो गईया तैनू तरस जरा ना कमली हो गईया मन तरस जरा नाया कमली हो गईया तन तरस जरा मैं तेरे जोगी रह गईया जोगी रह गईया वो तेरे जोगी रह गईया तरस जरा नहीं आया मेरी कमली हो गईया तन तरस जरा नहीं आया तेरे चौकी रह गईया तेरे चौकी रह गईया वो तेरे चौकी रह गईया वो तेरे चौकी रह गईया जरा नहीं आया हो तेरी कमली हो गईया हो तन तरस जरा नहीं आया लपया बथेरा तेनू जग विच आके लपया बथेरा लपया बथेरा तेनू जग विच आके लपया बथेरा तेनू जग विच आके संसार दी कई गल दिल च बसा के हो संसार दी कई गल दिल च बसा संता दी कई गल दिल च बसा के संता दी कई गल दिल च बसा के तेरे दर से बह गईया तेरे दर से बह गईया और तैनु तरस जरा नहीं आया कमली हो गईया तेन दर्द जरा नहीं मैं तेरे जोगी रह गई माँ 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 तैनू तरस जरा ना आया ओ तेरी कमली हो गईया तेन तरस जरा तरस जरा नहीं आया कमली हो गई
तरस जरा नहीं आया। ओ माफ करी मैया तेरे किते में कसूर है, माफ कर दईया जेरे किते में कसूर है। मार दे न ताने लोकी हामी तू जरूर वे, ओ मार दे न ताने लोकी हामी तू जरूर वे। मार दे न ताने लोकी हामी तू जरूर वे, ओ मार दे न ताने लोकी हामी तू जरूर वे। मैं कल्ली रह गईया तरस जरा नहीं आया, कमली हो गई तेन तरस जरा नहीं आया। तेरे जोगी रह गई, तेरे जोगी रह गई तेन तरस जरा नहीं आया। हो कमली हो गई कमली हो गईया, तेनू तरस जरा नहीं आया। तेरी कमली हो गईया, तेनू तरस जरा नहीं आया। वो मुक्की ना जुदाई तेरी मुक चल सावे, मुक्की ना जुदाई तेरी मुक चल सावे, मुक्की ना जुदाई चल सावे, जुदाई तेरी मुख चल सावे। आ जाई कवारी मैनू गले नाल लावे, आ जाई कवारी मैनू गले नाल लावे, माया जाई कवारी मैनू गले नाल लावे। आ जाई कवारी मनु गल नाल लावे, ओ बिम टेंगी टगिया तन तरस जरा नहीं आया। बिम टेंगी टगिया ओ तन तरस जरा नहीं आया। मैं तेरे जोगी रह गईया, तेरे जोगी रह गईया तैनू तरस जरा जरा तेरी कमली हो गईया, तन तरस जरा नहीं आया। तेरी कमली हो गईया, तन तरस जरा नहीं आया। ओ पीर हाथ अग दिल बिच लग गई है, खदासी तेरी रोन लग पई आके वेख दासी तेरी रोन लग पई, माया के देख दासी तेरी रोन लग पई, आके वेख दासी तेरी रोन लग पई। मैं थक के बह गईया, थक के बह गया तन तरस जरा नहीं आया। कमली हो गईया तन तरस जरा नहीं आया। किसे नू मैं अपना दुखड़ा सुनाया नहीं, किसे नू मैं अपना दुखड़ा सुनाया नहीं, किसे नू मैं अपना दुखड़ा सुनाया नहीं, तेनू मैं अपना दुखड़ा सुनाया नहीं। तेरे वाचू किसे मैनू चरना चलाया नहीं, हो तेरे वाचू मैनू किसे चरना चलाया नहीं। माँ तेरे वाचू किसे मैनू चरना
चलाया नहीं हो तेरे बाजू में से मनु चरना चलाया नहीं तेरे चरने बह गया तेरी चरनी बह गया तनु तरस जरा नहीं आया तेरे कमली हो गया तनु तरस जरा नहीं तेरे जोगी रह गईया वो तेरे जोगी रह गईया तैनू तरस जरा नहीं आया हो तेरी कमली सो गईया तरस जरा नहीं आया कमली हो गईया वो तेनू तरस जरा नहीं आया तन तरस जरा नहीं आया जयकारा शेरां वाली दा बोलो सच्चे दरबार की जय एक बयान प्रस्तुत कर रहे हैं जयपाल जयकारा शेरां वाली दा बोलो सच्चे दरबार की जय दुखों ने घेर लिया भगत तेरा घबराया है मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया 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 है दुखों ने घेर लिया भगत तेरा घबराया है मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया 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 है सिरदर का रास्ता भूला क्या अनहोनी होई माँ क्या अनहोनी होई माँ क्या अनहोनी होई चारों अंधेर छाया आज बचा ले कोई माँ आज बचा ले कोई माँ आज बचा ले कोई सिरदर का रास्ता भूला क्या अनहोनी होई माँ क्या अनहोनी होई माँ क्या अनहोनी होई आज बजा ले कोई माँ आज बजा ले कोई तुझ सबने दीन दयालु तुझ सबने दीन दयालु कारण हार बताया है मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है दुखों ने घेर लिया भगत तेरा घबराया है मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है गहरा संसार जीवन नाभ पुरानी
जीवन नाम पुरानी माँ जीवन नाम पुरानी डगमग डोल रही है सुन ले मात भवानी अब सुन ले मात भवानी अब सुन ले मात भवानी गहरा संसार समुद्र जीवन नाम पुरानी माँ जीवन नाम पुरानी माँ जीवन नाम पुरानी डगमग डोल रही है सुन ले मात भवानी अब सुन ले मात भवानी अब सुन ले मात भवानी पापियों का बेड़ा सब पापियों का बेड़ा तूने पार लगाया है भैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया हो मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है भैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है दुखों ने घेर लिया दुखों ने घेर लिया भगत तेरा घबराया है मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है अरे आए पाप पुराने अब तो बनो सहाई माँ अब तो बनो सहाई माँ अब तो बनो सहाई भाई बंद कुटुंब कबीरा सभी ने आग दिखाई सभी ने आग दिखाई सभी ने आग दिखाई अब तेरा सहारा मैया अब तेरा सहारा मैया तीनों लोगों ने पाया है मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है हाँ मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है ओ मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है दुखों ने घेर लिया दुखों ने घेर लिया भगत तेरा घबराया है मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है माँ तेरा सेवक आया है तेरा सेवक आया है तेरा सेवक आया है तेरा सेवक आया है तेरा सेवक हाँ तेरा सेवक आया है बोल सच्चे दरबार की है एक भेंट दो से कर रहे हैं श्री सुरेश जय करा मेरी शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय मेरी शेरों वाली मैया रे मेरी मेहरों वाली मैया रे मेरी शेरों वाली मैया रे दुख
होता पार तुम्हारे बिना इस विरह व्यथा को कहाँ तक गाऊं इस विरह व्यथा को कहाँ तक गाऊं इस विरह व्यथा को कहाँ तक गाऊं हंस देती हो तुम भी मैया जब मैं अपना दुख दर्द सुनाऊं मेरे दिल में रहती हो मैया तुम्हीं कैसे अपना दिल चीर दिखाऊं कैसे अपना दिल चीर दिखाऊं कैसे अपना दिल चीर दिखाऊं मेरी शेरों वाली मैया रे मेरी मेहरों वाली मैया रे मेरी शेरों वाली मैया रे मेरी मेहरों वाली मैया रे ओ मेरी जोतों वाली मैया रे मेरी लाटों वाली मैया रे है क्यों जब हम नहीं तुम्हें बिसारते हैं तूने मेरी याद बिसारी है क्यों तूने मेरी याद बिसारी है क्यों तूने मेरी याद बिसारी है क्यों हो के दिनों की बंधु है मां ना पूछी बात हमारी है क्यों जब लाखों पापी तार दिए फिर मेरी बार इनकारी है क्यों मेरी बार इनकारी है क्यों फिर मेरी बार इनकारी है क्यों मेरी शेरों वाली मैया परवाह नहीं हमें चाह है अपनी मैया की किसी और की हमको चाह नहीं किसी और की हमको चाह नहीं किसी और की हमको चाह नहीं कोई आए तो बैठे पलकों पर जाए तो कोई इनकार नहीं हम जाकर अपनी मैया के हैं किसी और के ताबेदार किसी और के ताबेदार किसी और के ताबेदार मेरी शेरों वाली मैया रे मेरी मेरों वाली मैया रे मेरी मेरों वाली मैया रे तुझ बिन मेरी मैया प्यारी आप मुझको लाड लड़ाएगा कौन माँ तूने ही ठुकराया जो दर से फिर मुझको अपनाएगा कौन मैया फिर मुझको अपनाएगा कौन मैया फिर मुझको
बनाए अगो मात पिता और भाई बंधु स्वार्थ के सब मीत है अब किसके गले लगूं मैं मैया कुछ बिन बाह फैलाएगा कौन तुझ बिन बाह फैलाएगा कौन तुझ बिन बाह फैलाएगा कौन मेरी शेरों वाली मैया रे मेरी मेरों वाली मैया जयकारा मेरी शेरों वाली मैया ने कहा भूल सच्चे दरबार की जय तातर नमामि महिषासुर चंड मुंड शुंभासुर प्रमुख जय विनाश दक्षां ब्रह्मेन्द्र रुद्र मुनि मोहन शील लीला चंडी समस्त सुर मुक्ति मणि कुरूपा सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय आज विक्रमी शुभ संवत 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल बसंत ऋतु फाल्गुन मास की आज 26 प्रविष्ट है शुक्ल पक्ष आज चतुर्थी तिथि है रविवार तदनुसार 10 मार्च सन 2019 के दिन दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको विशेषतया सर्वार्थ सिद्ध योग में माता जी के चरणों में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में इस शुभ वेला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरी भूति करने दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव वैरी दर्प दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभोर भव पाद पूर्णता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव श्रीवर्चस्व आयुष्मारोग्यमावेदा शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः आपकी दीर्घायु हो आपका आरोग्यता प्राप्त हो आप धन धन से संपन्न हो जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सौभाग्य देने वाले हों आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते माता जी आरती बोलेंगे सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है आपकी पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर आरती है सभी बोलेगा ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुम कौन सी दिन जावत मैया जी कौन सी दिन जावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी
विराजत की को मृग मद को मैया की को मृग मद को ओ जल से दो नैना ओ जल से दो नैना गगननी को ओम समान कलेव रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गल माला रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राज खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक इनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल छोड़ नाता के मोती मैया नाता के मोती चंद्र दिवाकर ओटिक चंद्र दिवाकर राजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी कुंभ विराट महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहार शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु कैटव दो मारे मधु कैटव दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी रुद्राणी तुम कमला रानी ओ मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी ओम जय अम्बे गौरी चौसठ योगिनी गावत नित्य करत भैरो मैया नित्य करत भैरो आजत ताल तिरंगा आजत ताल तिरंगा और बाजत गमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता दुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी दुराचार अति शोभित वर मुद्रा धारी मैया वर मुद्रा धारी फल पावन वाषित फल पावज सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन काल विराज अगर कपूर बाजी मैया अगर कपूर बाजी माल के तुम राज श्रीमाल के तुम राज रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी अम्बे द्वितीयारती गीत गावे हो मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी हरि हर स्वामी मन वाचिक फल पावे ओम जय अम्बे गौरी तुम कौन सी दिन
जी को निसदिन जावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा सारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जहाँ बैठे बैठे शांतिपूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो रल मिल बोलो जय माता दी। जय हो बेला जय माता दी। प्रातः बेला जय माता दी। आरती बेला जय माता दी। आप बोला दी जय माता दी। जय माता दी। मेरा कर दी जय माता दी। चोलियां भर दी जय माता दी। उच्ची बोलो जय माता दी। हाथी बोलो जय माता दी। चाली बजा के जय माता दी। जोता वाली जय माता दी। लाटा वाली जय माता दी। चोलियां वाली जय माता दी। चुनिया वाली जय माता दी। चूड़ियां वाली जय माता दी। माणा वाली जय माता दी। मंदिरा वाली जय माता दी। झंडिया वाली जय माता दी। घंटिया वाली जय माता दी। द्वारा वाली जय माता दी। भवना वाली जय माता दी। शेरा वाली जय माता दी। गुफा वाली जय माता दी। हाथ वाली जय माता दी। जग कल्याणी जय माता दी। मामा रानी जय माता दी। बिंदी रानी जय माता दी। वैष्णवी जय माता दी। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सभी भक्त दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम। देहि मे परमं सुखम। देहि मे परमं सुखम। रूपम देहि जयम देहि। रूपम देहि जयम देहि। यशो देहि दिशो रहि। यशो देहि दिशो रहि। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः। ॐ शान्तिः। ॐ शान्तिः। ॐ शान्तिः। ॐ शान्तिः। ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जहाँ बैठे बैठे शांतिपूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता दी। कल्याण मैं आज कर दो जगह
भगवती माता रानी जी आप सबको आशीर्वाद दें, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, झोलियां खुशियों से भरें, आप सबकी हाजिरियां कबूल करें और आप सबको अपने दरबार में जग भगवती माता रानी जी जल्दी जल्दी और बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से बुलाएं।
बोलो सच्चे दरबार की जय। गूंजिए, स्वर गूंजना चाहिए पूरा लंबा सा, बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। आशीर्वाद, जय माता दी। Yeah.